हेलो दोस्तों, माना जाता है कि यूरोप दुनिया भर के सभी देशों की तुलना में काफी महंगा है। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो काफी खूबसूरत है और हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार इन देशों में घूमना चाहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूरोप बहुत महंगा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो यूरोप में ही है और बहुत ही सस्ता है। इजीली आप उस देश को घूम सकते हैं, बहुत ज्यादा बजटिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, थोड़े से बजट में आप इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस शर्त इस बात की है कि आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको एक ऐसे देश से रूबरू कराने वाले हैं जो खूबसूरत भी है, कम बजटिंग भी है और आप आराम से इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक। दोस्तों, चेक रिपब्लिक मध्य यूरोप में बसा हुआ है और ये एक लैंड लॉक देश है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के बेहतरीन बेजोड़ महल, साथ ही यहाँ की वास्तुकला और यहाँ की हिस्ट्री आपको यहाँ रुकने पर मजबूर करेगी। 4-5 दिन कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस देश में जाने के लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप वीजा अप्लाई करेंगे और यकीन मानिए आपको वीजा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया से अभी बहुत ज्यादा टूरिस्ट चेक रिपब्लिक नहीं जाते हैं, क्योंकि लोगों को इसकी खूबसूरती के बारे में अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि यूरोप बहुत महंगा है, हम यहाँ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो ये देश उसमें इंक्लूड होता है। आप शेंगेन वीजा के थ्रू यहाँ पे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग 10 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा और आप उड़ान भरने के लिए तैयार है चेक रिपब्लिक। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट्स की। तो आपको डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट राजधानी प्रयाग के लिए मिल जाएगी, जो कि लगभग 60,000 रुपए की पड़ेगी। दोस्तों, चलिए अब आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इस देश के बारे में। दोस्तों, चेक रिपब्लिक में लिटरेसी रेट 99% है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग, लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं और साथ ही यहाँ की सरकार भी शिक्षा पर बहुत जोर देती है। और जब लोग शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से सफाई पर ध्यान देते होंगे, इसीलिए ये देश इतना खूबसूरत है। और यहाँ के लोग आपका वेलकम भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये मेहमानों की कद्र करना जानते हैं। दोस्तों, ये देश अपनी बर्फीली वादियों और कड़कड़ाती ठंड के लिए भी जाना जाता है। आप तो जानते ही हैं कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, कैसे चेक रिपब्लिक बचा रहेगा। यहाँ भी आपको बर्फीली वादियाँ मिलेंगी और इसी को देखने तो लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसे भी जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ आप साल में कभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा सर्दी अवॉइड करिएगा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर घूमें। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन शहरों को, किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप पहुंचेंगे प्रयाग, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है वो प्रयाग में ही लैंड हो रही है। प्रयाग बहुत ही खूबसूरत शहर है, आश्चर्यजनक कैथेड्रल, मध्यकालीन वास्तुकला, यहाँ की संस्कृति और बढ़िया भोजन आपको ऊर्जा से भर देगा, एनर्जी से भर देगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक जादुई शहर है। इसे यूरोप के सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में कहा जाता है। प्रयाग में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। आपको बता दें कि ये शहर पर्यटकों को रोके रखने के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ आपको हर तरह की एक्टिविटीज मिल जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा महल यहीं पर है। दोस्तों, ये है शहर का ओल्ड टाउन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ के चर्चेस, ये चर्च के लिए बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सारे चर्चेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ दिखेगा चार्ल्स ब्रिज,
जो कि यहाँ की एक धरोहर है। दोस्तों ये है सेस्की क्रुम्लो। ये एक सुंदर महल शहर भी कहा जाता है जो अभी भी मध्यकालीन शहर जैसा दिखता है। टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की सड़कें और चमकीले रंग के प्लास्टर आपको बार बार बुलाएंगे। दोस्तों सड़कें बहुत दिलचस्प हैं, दुकानें बहुत दिलचस्प हैं और खाना बहुत स्वादिष्ट। तो जब भी आप यहाँ आए तो इन चीजों का लुत्फ जरूर लें। दोस्तों ये है कार्लोवी वैली। माना जाता है कि इस गर्म पानी के झरने के कारण ये शहर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और आप यकीन करिएगा सैकड़ों वर्षों से इसे हीलिंग पानी कहा जाता है। आपको पता है इस हीलिंग पानी से आप अपनी बहुत सारी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, आप इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये शहर अभी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत भव्य है और सुरम्य है। दोस्तों ये है ओलोमोक। ओलोमोक मूल रूप से शाही काल के दौरान एक रोमन किले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों दरअसल इसका ये नाम माउंट जूलियस के नाम पर पड़ गया। बिगड़ते बिगड़ते माउंट जूलियस का नाम ओलोमोक पड़ गया। आपको बता दें कि यहाँ देखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। यहाँ पर आप चर्चेस जा सकते हैं, यहाँ के सुंदर सुंदर इमारतों को देख सकते हैं, यहाँ की शैली देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पर इतने खूबसूरत फाउंटेन हैं जो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। इसके साथ यहाँ म्यूजियम भी है, इसके साथ ही यहाँ पर एक खगोलीय घड़ी भी है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों चेक रिपब्लिक की इस यात्रा में सिर्फ इतना ही। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये देश कैसा लगा। और वाकई यकीन मानिए ये देश बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ की करेंसी को एक्सचेंज करा लें। यहाँ यूरो नहीं चलता, इंडियन रुपया नहीं चलता, तो आपको करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। दोस्तों इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।